Hello my dear students, today we are doing our chapter continue electoral politics class 9th civics chapter. Our chapter is we will do today popular participation, because we are doing our that the Indian Election Commission is democratic. So what was the reason behind it? We have done two parts of it, and next is popular participation. First is quality of elections. Quality of elections, what will depend on the people? कि क्वालिटी क्या होगी हमारे इलेक्शंस की. पार्टिसिपेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि हम कब ये एग्जामिन कर सकते हैं कि क्वालिटी बेटर है कि नहीं है. इट कैन बी वी कैन फाइंड आउट बाय दिस पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, कि लोगों की जितना इंटरेस्ट होगा किस चीज़ के अंदर, इलेक्शंस के अंदर वो कितना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. कई मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि लोगों के वोट होते हैं, वो बनने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग टू गिव देवर वोट टू एनी कैंडिडेट ड्यू टू अन इंटरेस्ट. क्या है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं गवर्नमेंट से कि कोई भी वो उनका रीज़न क्या होता है मेन, कि कोई भी आपकी क्या है पॉलिटिकल पार्टी वर्क में आ जाए बट दे विल नॉट डू लाइक द अकॉर्डिंग टू द पीपल. सो वहाँ पर कुछ लोग क्या दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं किसके लिए, इलेक्शंस में वोटिंग के लिए. वोट होते हुए भी वो नहीं डालते हैं. इट मीन्स क्या करता है कि जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. कि जितने मैक्सिमम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इट शोज द बेटर क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन. सो जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन में क्या होना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए. कि लाइक इंडिया में क्या होते हैं कि लोग मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं, बट उसके पीछे क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ रीज़न है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर बेटरमेंट क्या रहेगी कि पार्टिसिपेशन लोगों का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. नेक्स्ट आता है वोटर टर्न आउट फिगर्स, इंडिया वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज. कि जो वोटर हैं वो टर्न आउट कितने लोग आगे आते हैं फिगर्स में, कि हम क्या कहेंगे कि इंडिया और यूरोपियन. अगर हम लास्ट ईयर्स के अगर डाटा देखते हैं, दैट हैज़ गिवन टू इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन सी इन योर बुक, इंडिया जो इंडियन पीपल है दे आर पुट गिविंग मैक्सिमम वोट्स, बट द यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी वोटर्स हैं दे आर नॉट शोइंग देयर इंटरेस्ट इन इलेक्शंस. सो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम अपर लेवल का क्या करते हैं, वो वोटिंग करते हैं. जितने भी लोग हैं वोटिंग करने वाले 18 और अबो 18 जो वोटर लिस्ट में हमारे क्या हैं इन्वॉल्व हैं, तो वो मैक्सिमम क्या करते हैं, वोट डालते हैं. तो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, इन कंपेरिजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज मैक्सिमम पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, इलेक्शंस के अंदर. सो यहाँ पर वो टर्न आउट करते हैं कि कितने पहले डालते थे तो अब कितने डालते हैं. हमारी जो पॉपुलेशन है वो ईयर टू ईयर जो हमारा फिगर है वोटर्स का वो क्या है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, दे आर टेकिंग द पार्टिसिपेटिंग द इलेक्शंस ऑल्सो. नेक्स्ट, इन इंडिया द पुअर इलिटरेट अनप्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन. कि जितने भी इलिटरेट लोग हैं, पुअर हैं, अनप्रिविलेज्ड पर्सन हैं, दे आर डूइंग मैक्सिमम पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. वो मैक्सिमम क्या करते हैं, वोटिंग भी करते हैं. इनका वोटिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहता है, अपर लेवल का रहता है. क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इसके पीछे रीज़न डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम टेलिंग टू यू दैट कि लाइक इंडिया अगर हम देखते हैं, हमारे इंडिया में क्या है कि जितने भी पुअर इलिटरेट या अनप्रिविलेज्ड पर्सन है ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी हमारा, कि हमारा वेलफेयर जो हम कहेंगे इलेक्शंस के अंदर जो हमें प्रोमिसज किए जाते हैं वो हमारा कौन फुलफिल कर सकती है, गवर्नमेंट. सो यहाँ पर जो रिच और प्रिविलेज्ड सेक्शन है इनके कंपैरिजन में आप जितना भी देखोगे वहाँ पर क्या है, जो पुअर इलिटरेट पर्सन है दे आर गिविंग मैक्सिमम वोट्स एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस. बिहाइंड द रीज़न कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ द क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, मल प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर एक रीज़न वो भी हो सकता है, लेकिन सेकंड क्या हो सकता है कि दे वांट फाइंड आउट देयर वेलफेयर, सो दे आर टेकिंग द लार्ज प्रोपोर्शन जो अपना है वो ए रिच पर्सन के कंपैरिजन में क्या है मैक्सिमम वोट्स कौन करते हैं, पुअर पीपल करते हैं. एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शन आर वेरी हाई.
कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कॉमन पीपल हैं हमारे, जो मीडियम फैमिलीज के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किससे, गवर्नमेंट से, कि जो गवर्नमेंट क्रिएट होगी हमारे इलेक्शंस के थ्रू वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, अकॉर्डिंग टू अस। तो लोगों को क्या होता है कि जो पीपल हैं हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं वो किसके लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, कि हमने ये गवर्नमेंट चूज की है, हमने इलेक्ट की है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हमारे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंडिया में भी इलेक्शंस के टाइम क्या होती है, मैक्सिमम टर्न आउट आता है। तो यहाँ पर उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, रीज़न क्या है कि कॉमन पीपल क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किससे, क्रिएटिव जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी गवर्नमेंट जो रूल में आती है उसके लिए। इन लोगों को क्या बिलीव होता है कि दे आर इलेक्टेड बाय अस, तो ये हमारे क्या देखेंगे कि हमारा वेलफेयर मैक्सिमम देखेंगे, हमारे व्यूज को कहाँ लेकर जाएंगे, पार्लियामेंट में। सो इनको जो होप होती है उसी बेस पर ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी क्या करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, कि कंटिन्यूसली जो इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहा है, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ का, अमेरिका और इन कंट्रीज़ का अगर कंपैरिजन करते हैं 2004 के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर्स बिफोर दीज ईयर्स आल्सो, कि जितना भी हम कंपैरिजन देखते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, जब से क्या हुआ है इलेक्शंस स्टार्ट हुए हैं, हमारी कंट्री का क्या है, हमारी कंट्री का डायग्राम कहाँ जाता है, अप जाता है, लेकिन इन कंट्रीज़ का कहाँ जा रहा है, डाउन। अगर यहाँ पर मैं यूएसए कहूँ तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि ये वाले जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं, यूएसए है, ब्रिटेन है, ये क्या करते हैं, ये इनका जो क्राइटेरिया है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो डाउन जा रहा है, दे आर नॉट टेकिंग सो मच इंटरेस्ट टू इलेक्टेड देयर लीडर्स, बट आवर कंट्रीज पीपल आर टेकिंग मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। सो ये हमारी कंट्री के जो लोग हैं, इलेक्शंस के वोटर्स हैं, वो क्या करते हैं इलेक्शंस के अंदर 100% क्या दिखाते हैं, अपना पार्टिसिपेशन शो करने की ट्राई करते हैं, चाहे वो पुअर है, मीडियम है, लेकिन रिच पीपल क्या करते हैं यहाँ पर भी थोड़ा कम इन्वॉल्व होने का ट्राई करते हैं। सो दिस द पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज शोइंग दैट कि इलेक्शन इन इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक एंड दे कैन मेक द गवर्नमेंट ऑल्सो। थैंक यू, अवर चैप्टर विल बी कंटिन्यू। Write down these points. Have a nice day.